हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी मधुबनी पेंटिंग में मछली कैसे बनाते हैं। आप फिश का आउटलाइन ले लेंगे, बिल्कुल इस तरीके से। आप पेंसिल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके बाद आप पेन से ड्रॉ करें। आप इसे डबल लाइन कर लेंगे। ऐसे आपको डबल लाइन कर लेनी है। ये डबल लाइन हो गया। अब आप मछली की आंख बना लेंगे। इसे पूरा ब्लैक कलर से फिल कर देंगे। यहाँ एक मोटिफ बनाएंगे, इस तरीके से। अगेन आप एक और मोटिफ बनाएंगे, इसे डबल लाइन कर लेंगे। ये देखिए, इसे भी हम मोटिव से फिल कर लेंगे। इस मोटिव को यहाँ कंप्लीट करेंगे इस तरीके से। अब आप इस पार्ट को फिल करेंगे। पहले आप कचनी करेंगे स्ट्रेट लाइन में, इस तरीके से आप कचनी कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद आप बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में आप इसे फिर से कचनी करेंगे।
कंप्लीट हो गया। अब आप यहाँ ये मोटिव बनाएंगे और पूरा और फिल करेंगे इस मोटिव से। ये मैंने फिल कर दिया। अब सेम आपको इस साइड भी बनाने हैं, बिल्कुल ऐसा बनाएंगे आप। ये देखिए ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब आप यहाँ स्ट्रेट कचनी करेंगे, कंप्लीट हो गया। अब आप आउटर पार्ट भी कंप्लीट कर लेंगे। इस तरीके से आपको बनाना है। आपको बिल्कुल यहाँ से स्टार्ट करनी है और यहाँ कंप्लीट करना है। सेम आप इस साइड भी बना लेंगे। ये दोनों साइड हो गया। अब आप इसे कचनी से भरेंगे ऑल्टरनेट मोटिव को। इस तरीके से आप कचनी से पूरा फिल कर देंगे। सेम जैसा आपने उस साइड किया है, इस साइड भी आप ऐसे ही बनाएंगे। अब जितना कंसंट्रेशन के साथ ये बनाएंगे, आपकी ड्राइंग इतनी ही अच्छी बनेगी। आपको इस तरीके से मोटिव बनाना है। इस तरीके से आप इसे कंप्लीट कर लेंगे।
आउटलाइन कंप्लीट हो गया मेरा, बट आपको इसे कचनी से फिल करना है। जैसे आपने ऊपर कचनी से भरा था वैसे ही आपको यहाँ भी कचनी करनी है। इसे भी आप कचनी से भर लें। इसे थोड़ा बोल्ड कर दें आप, ये देखने में अट्रैक्टिव लगे। अब आप ये पार्ट भी कचनी से भर के कंप्लीट कर दें। आप जितना पेशेंस के साथ बनाएंगे मधुबनी पेंटिंग, आपकी पेंटिंग उतनी अच्छी बनेंगी। सो कोशिश करें कि आप कंसंट्रेशन और पेशेंस के साथ अपनी पेंटिंग को बनाएं। ये ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। और आप देख सकते हैं ये कितना अच्छा दिख रहा है। मधुबनी पेंटिंग में मछली काफ़ी जगहों पे यूज की जाती है, जैसे बॉर्डर हुआ, मेन पेंटिंग के पार्ट हुए, कई जगहों पे यूज होते हैं। सो आप ज़रूर ये सीखें, और आपका कोई सुझाव हो तो मुझे कमेंट में लिखें। आप कोई और मोटिव सीखना चाहते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको मैं मोटिव सिखा सकूँ। इससे पहले मैंने 7 लेसन पढ़ाए हैं, आप उन 7 लेसन को आप देखें और बनाने का ट्राई करें, ड्रॉ करने की ट्राई करें। और आपको कोई प्रॉब्लम आए ड्रॉ करने में या कुछ ना समझ आए तो आप मुझे कमेंट में लिखें, मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी। ये ऑलमोस्ट रेडी हो गया फिश। देखिए ये कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। इसे मछली या माछ बोलते हैं, मैथिली में इसे माछ बोलते हैं। आप कोशिश करें इसे बनाने की और मुझे अपनी पेंटिंग्स भी बताएं कि आपने कैसे मोटिव बनाए। मेरे मोटिव को देखकर मुझे खुशी होगी आपको आपकी पेंटिंग को रिव्यू करके। थैंक यू सो मच।